सिटी गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में समाज सेवी प्रशांत भारद्वाज द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगा फहराया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया गया। वहीं इस मौके पर स्केटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले आरव शर्मा को सम्मानित भी किया गया। आरव ने मेडल जीत कर गुरुग्राम का नाम रोशन किया है और प्रशांत भारद्वाज ने बच्चे को मिठाई खिलाकर उसका उत्साह वर्धन किया है। नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड़गांव के लक्ष्मण विहार में और यहाँ पे हम प्रशांत भारद्वाज जी के कार्यालय पे मौजूद हैं और यहाँ पर आज सभी के चेहरे आप देख सकते हैं, सभी के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान हमें नज़र आ रही है। स्वतंत्रता दिवस का अवसर है और सभी ने हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी खास मौके पर बच्चों को मेडल से भी सम्मानित किया गया। और इस बच्चे को किस उपलक्ष में मेडल दिया गया है ये हम बच्चे के पिताजी से बात करके जानेंगे। तो हम बच्चे के पिताजी से बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। नरेंद्र शर्मा। मैं जी, तो आपके बच्चे को आज मेडल से सम्मानित किया गया है, इतना उसके चेहरे से हंसी नहीं रुक रही है, मतलब किस उपलक्ष में इसको मेडल दिया? इसको स्केटिंग के उपलक्ष में दो मेडल मिले हैं, अभी एक ट्रॉफी और मिलने वाली है इनको। और आज भाई प्रशांत जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने भी हमें आके यहाँ पर सम्मानित करा और मेरे बेटे को ये मौका दिया यहाँ पे आने। कौन सी क्लास में आपका बेटा? ये थर्ड में। थर्ड क्लास में है। स्केटिंग स्कूल लेवल पे कंपटीशन? स्कूल लेवल पे ये तीन मेडल ले चुका है, अभी एक ट्रॉफी इसको और मिलनी है कल। अच्छा जी, धन्यवाद। तो अभी हम बच्चे से जानते हैं, कौन सी क्लास में हो बेटा? थर्ड में हो। ठीक है बेटा, तो आपको स्केटिंग में इतने सारे लोगों ने सम्मानित किया, आपको मेडल मिला, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। आगे और मेहनत करोगे? हाँ। और मेडल जीत के लाओगे? हाँ। तो गुड़गांव का नाम रोशन करोगे? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे को सम्मानित किया, इससे उसका उत्साह वर्धन भी हुआ। अभी हम प्रशांत भारद्वाज जी से बात करते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, उसके बारे में? आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसका आज हम क्षेत्रवा महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसमें हमारे लक्ष्मण विहार वासियों ने बहुत मिलजुल कर और एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया, सुबह फ्लैग होस्टिंग भी की। और आज जिस प्रकार हमारे आज़ादी में एक माँ बाप ने वीर सपूतों को जन्म दिया था, उसी प्रकार हमारे लक्ष्मण विहार का नाम रोशन करने में हमारे भाई ने जो योगदान दिया है, इस बच्चे ने, आरव शर्मा ने जो योगदान दिया है, इसने हमारे लक्ष्मण विहार का नाम रोशन किया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सभी माँ बाप के चेहरे पर इसी प्रकार खुशी आती रहे और इसी प्रकार हमारे लक्ष्मण विहार का और देश का और गुड़गांव का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिस प्रकार हमारे देशों में वीर सपूतों ने बलिदान देकर देश की आज़ादी लाई थी, हमको उसी तर्ज पर चलकर युवाओं को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी और विकास कार्य में भाग लेना चाहिए और देश को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बच्चे से बात की, बच्चा कितना खुश है और उसको इस लेवल पर उसको सम्मानित किया गया, इससे आगे बढ़ने के लिए उसका उत्साह वर्धन भी हुआ। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी ने यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और राष्ट्रीय ध्वज लहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ऐसे ही हम कामना करते हैं हमारा देश प्रगति की राह पर चलता रहे और सभी का विकास होता रहे। मेघा गंगवार, द ग्राउंड न्यूज़, कैमरा पर्सन गोल्डी डावर के साथ, गुड़गांव।